रैली से शोभनदीप चट्टोपाध्याय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भाजपा सपना देख रही है कि 200 से अधिक सीटें पाएगी, ये उनका दिन में देखने वाला सपना जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। बहुमत के साथ एक बार फिर तृणमूल की सरकार बन रही है, ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। वहीं फिरादर टीम ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अमित शाह दावे कर रहे हैं कि हम 3 चरण में इतने ज़्यादा सीटें पा रहे हैं, क्या उन्होंने सवाल किया कि क्या ईवीएम मशीन में घुस गए हैं, वो कैसे किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? दखल होते तो कोई भूल नहीं, क्यों स्वप्न देखते ही पारे। और वोट हवार आगे बोले दिच्छे ओखाने आमरा जीते जाच्छी, वोट हवार आगे बोले दिच्छे ओखाने आमरा हेरे जाच्छे। आमी खूब दायित्व निये एबं जोरेर संगे बोलछी, पश्चिम बांगलाय आबार तृणमूल कॉग्रेसी क्षमताय आसबे এবং বিপুল মেজরিটি নিয়ে আসবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃতীয়বার পশ্চিমবাংলা সরকার হবে আমি নিশ্চিত করে বলছি। ইভিএম এর ভেতরে ঢুকে গেছিল কি না বা তার মধ্যে কোনো কারসাজি করেছে কি না, কিন্তু আমার কাছে যা ফিডব্যাক যে 60টা নির্বাচন কালকের আগে হয়েছিল তাতে 48টা তৃণমূল কংগ্রেস পাচ্ছে, আর যে 31টা নির্বাচন কালকে হয়েছে তাতে আজকে রাত্রিরে বা কাল সকালের মধ্যে আমার কাছে রিপোর্ট আসবে তাতে অন্তত 22টা আমরা পাচ্ছি। 30 বছর সিপিএম এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি, অমিত শাহ অন্য অন্য প্রদেশে হয়তো এরম ঢপবাজি দিয়ে সেখানে বাজিমাত করতে পারেন, কিন্তু বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কর্মী তারা বহুদিন ধরে লড়াই করে করে আগুনে পুড়ে লোহা একেবারে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 77 में एक रैली निकाली गई है। इस रैली में उम्मीदवार यहां के शोभनदेव चट्टोपाध्याय खुद इस रैली में मौजूद हैं। उनके साथ है पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम। काफी संख्या में भीड़ है इस रैली में और समर्थकों का उत्साह भरपूर बना हुआ है। कैमरन अरिजीत के साथ मैं सविता सन्मार्ग से।